महाराज, राजा उदय सिंह के यहाँ से पत्र आया है। क्या लिखा है इसमें? महाराज, इस पत्र में लिखा है कि महाराज उदय सिंह पिता बन चुके हैं, उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है और राजा महल में राजकुमारी के आने के उपलक्ष में राजा उदय सिंह सभी राजाओं जिसमें से एक आप भी हैं को एक बहुत ही बड़े समारोह में आमंत्रित कर रहे हैं। ये सुनकर राजा वीर थोड़े से उदास हो जाते हैं। राजा वीर बिलासपुर नाम के एक राज्य में राज किया करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था, केवल एक यही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो पूजा, ऋषि मुनि, तंत्र विद्या सब कुछ कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से वो हमेशा दुख में रहा करते थे। और अब ये खबर सुनकर उनका दुख और भी बढ़ जाता है और वो सभा को छोड़कर अपने कक्ष में आ जाते हैं। अब तो राजा उदय की भी संतान हो गई, जबकि वो मुझसे उम्र में छोटे हैं। पता नहीं भगवान क्या चाहता है। मुझे तो लगता है कि मुझे निसंतान ही मरना पड़ेगा और मेरे इस राज्य का कोई वंशज नहीं होगा। ऐसा कहकर राजा वीर और ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर एक दिन राजा वीर जंगल में शिकार पर गए होते हैं। वो जंगल में शिकार कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे साधु महाराज कहते हैं, राजन, अगर आप ऐसे दुख में रहेंगे तो आप सही से शासन नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सही से शासन नहीं कर पाए तो आपकी जनता और राज्य का विनाश हो जाएगा। साधु महाराज, आप कौन हैं और यहाँ कैसे? मैं इस राज्य के सभी साधु बाबाओं को जानता हूँ, परंतु आपको यहाँ कभी नहीं देखा। मेरे यहाँ होने से बड़ा प्रश्न ये है कि आपके बाद आपकी राजगद्दी पर कौन बैठेगा। आप बहुत ही विद्वान लगते हैं, मैं तो सब कुछ करके देख चुका हूँ, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए। उपाय तो है, और उससे तुम्हारी संतान भी हो सकती है, परंतु क्या साधु महाराज? देखो राजन, अगर तुम्हारी संतान हुई तो उसे बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा, उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। राजा वीर कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरी संतान भी मेरी तरह वीर ही होगी, और अगर उसकी जिंदगी में कष्ट आए भी तो मैं जानता हूँ मेरी संतान वो सब झेल लेगी और उन पर विजय प्राप्त कर लेगी। आप मुझे बस वो उपाय बता दीजिए। इसके बाद वो साधु अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ में एक फल प्रकट करते हैं और उसे राजा वीर को देते हुए कहते हैं, ये लो राजन, इस फल को जाकर अपनी पत्नी को खिला दो और फिर इसका कमाल देखो। राजा उस साधु के कहे अनुसार उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देते हैं और अगली ही सुबह रानी को उल्टियां होने लग जाती है और एक दाई राजा को आकर बताती है कि वो कुछ ही महीनों में पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस दाई को मोतियों की माला देकर खुश कर देते हैं और पूरे राज्य में मिठाई बंटवाते हैं। उस साधु की बात बिल्कुल सही निकली, मैं सच में पिता बनने वाला हूँ। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और फिर 9 महीने बाद रानी एक बेटी को जन्म देती है, परंतु उसे जन्म देते देते रानी की मृत्यु हो जाती है और वो बेटी बिल्कुल अमावस की रात की तरह काली होती है। दाई जाकर ये खबर राजा को देती है। एक बुरी खबर है महाराज। क्या हुआ? हमारी संतान ठीक तो है ना? आपकी संतान तो ठीक है, परंतु आपकी संतान को जन्म देते हुए रानी की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर राजा को काफी धक्का लगता है। फिर वो अपने संतान से मिलने जाते हैं, परंतु जैसे ही वो अपने संतान का मुख देखते हैं, उनकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है। हमने तो सोचा था हमारी संतान का मुख चंद्रमा जैसा खिल उठेगा, लेकिन ये तो अमावस्या जैसी काली है। ये हमारी पुत्री नहीं हो सकती। पहले तो राजा अपनी पुत्री को अपनाने से इनकार कर देते हैं, फिर वो उसकी तरफ देखते हैं और उसकी मासूमियत को देखकर पिघल जाते हैं और उसे अपने गोद में उठाकर गले लगा लेते हैं। चाहे तुम जैसी भी हो, पर तुम मेरी पुत्री हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया का सारा प्यार दूंगा। ऐसा कहकर राजा भावुक हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राजा वीर की माँ
राजा वीर के कक्ष में आती है और कहती है, देखो पुत्र, मैं जानती हूँ अभी तुम्हारी रानी को मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, परंतु मेरा ख्याल है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची बिना माँ के नहीं रह पाएगी। इसे अभी माँ के प्यार, ममता और दूध की जरूरत है। राजा वीर को अपनी माँ की बात सही लगती है, इसलिए वो अपने ही राज्य की एक सुपर्णा नाम की औरत से शादी कर लेते हैं। सुपर्णा की भी 6 महीने की बच्ची थी, इसलिए वो राजा की बेटी श्वेता को पालने के लिए योग्य थी, और इसी कारण से भी राजा ने उसे शादी की थी। देखो सुपर्णा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी पुत्री का अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि आगे चलकर वही मेरे राज्य को संभालने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, और इसलिए मैंने तुमसे शादी भी की है। उम्मीद करता हूँ तुम अपना फर्ज अच्छे से निभाओगी। बिल्कुल महाराज, मैं आपकी पुत्री श्वेता को अपनी पुत्री नैना से भी ज्यादा प्यार करूंगी। सुपर्णा ये सब राजा के सामने कह तो देती है, परंतु उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। ये काली कलूटी तो इस राज्य की महारानी बनने की बिल्कुल भी लायक नहीं है। इससे अच्छी तो इस राजमहल की दासियां लगती है। चाहे जो भी हो जाए, इस पूरे राज्य की महारानी तो मेरी बेटी नैना ही बनेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दोनों राजकुमारियां बड़ी होने लगती है। श्वेता नहीं जानती थी कि सुपर्णा उसकी सौतेली माँ है, परंतु उसका व्यवहार सब कुछ कह देता था। सुपर्णा नैना के साथ तो बड़े अच्छे से पेश आती थी, परंतु जब बात श्वेता की आती थी तो वो मुंह फेर लिया करती थी, और ये बात कभी श्वेता के समझ नहीं आती थी। आखिर माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? दीदी को तो माँ इतना प्यार करती है, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तब भी उन्हें कुछ नहीं कहती, परंतु जब मैं कुछ करती हूँ तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों? बस इसलिए क्योंकि मेरा रंग काला है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने ही बच्चों में भेदभाव कैसे कर सकती है? कभी कभी तो मुझे एहसास होता है कि ये मेरी माँ है ही नहीं। श्वेता अक्सर नदी किनारे बैठकर ये सब बातें सोचा करती थी। दिन इसी तरह बीत रहे थे। एक दिन राजा वीर अपने मित्र राजा की मदद के लिए युद्ध में जाते हैं, परंतु वो उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, और एक सैनिक भागता हुआ ये खबर राजमहल में देने आता है। रानी जी, महाराज की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई है, अब वह दुनिया में नहीं रहे। जहाँ ये खबर सुनकर सब दुखी हो जाते हैं, वहीं सुपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कक्ष में आकर खुशी के मारे नाचने लग जाती है। उस राजा के रहते हुए मुझे हर चीज पूछ कर करनी पड़ती थी, और उस काली कलूटी मनहूस को भी झूठा प्यार करना पड़ता था, परंतु अब नहीं। अब इस पूरे राज्य की रानी मैं हूँ, और आगे चलकर मेरी बेटी बनेगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई टोक नहीं सकता। दूसरी ओर जब ये बात श्वेता को पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उससे छिन जाती है। वो कई दिनों तक गम में डूबी रहती है। एक दिन वो अपने कक्ष में बगीचे की ओर देखकर अपने पिता को याद कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सुपर्णा हाथों में दासियों के कपड़े लेकर आ जाती है। अब अपना ये गम भुलाकर असलियत में आ जा और ये दासियों के कपड़े पहन ले। मैं नहीं चाहती कि तू अब राजकुमारियों की तरह रहे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं राजकुमारी हूँ तो राजकुमारियों की तरह ही रहूँगी ना, और आप मेरे लिए ये दासियों के कपड़े क्यों लेकर आई हैं? पहले तो तू मुझे माँ बुलाना बंद कर। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ तो तुझे जन्म देते हुए ही मर गई थी। आज से तू मुझे महारानी बोलेगी, समझी? श्वेता पहले ही अपने पिता के दुख में थी, और जब वो सुपर्णा की बातें सुनती है तो उसका दिल ही टूट जाता है, परंतु उसे ना चाहते हुए भी सुपर्णा की बात माननी पड़ती है और दासियों के कपड़े पहनने पड़ते हैं। धीरे धीरे करके सुपर्णा पूरे राजमहल पर अपना कब्जा कर लेती है और हर चीज को अपने हाथ में ले लेती है, और अब श्वेता को पूरी तरीके से एक दासी बना देती है। सुन दासी, हाँ तुझसे ही बात कर रही हूँ, जाकर मेरी बेटी यानी कि इस राज्य की होने वाली रानी के कक्ष में जाकर पंखा कर, उसे गर्मी में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी महारानी। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं।
श्वेता दिन में काम निपटाकर शाम को राजमहल के पीछे वाले बगीचे में चली जाया करती थी और वहाँ के पशु और पक्षियों के साथ अपना समय बिताया करती थी। वही कुछ पल उसे चैन और सुकून से मिल पाता था। ऐसे ही एक दिन श्वेता उस बगीचे में बैठी होती है कि तभी वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही होती है। वो श्वेता को देख लेती है और जल्दी से दौड़कर उसके पास आती है। अरे राजकुमारी, आपने ये अपना क्या हाल बना रखा है? आपने ये दासी वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आप कौन हैं? मैं एक जादूगरनी हूँ और आपके पिताजी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और शायद उनकी ही वजह से मैं आज जिंदा हूँ। परंतु आपकी ये हालत कैसे हुई और महाराज कहाँ है? इसके बाद श्वेता रोते हुए जादूगरनी को सारी कहानी बताती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सुपर्णा ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, पर आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, अब उसे उसके किए का सबक मिलेगा। इसके बाद जादूगरनी अपने जादू से वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जादुई ड्रेस प्रकट करती है और उसे राजकुमारी को देते हुए कहती है, ये लीजिए राजकुमारी, ये एक जादुई ड्रेस है। पर ये जादुई ड्रेस मेरे किस काम की है? ये ड्रेस बहुत ही काम की है, क्योंकि ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है। आप जैसे ही इस ड्रेस को पहनेंगी, आपके सामने वाला इंसान आपके वश में आ जाएगा और उसके बाद आप उसे जो कहने को या जो करने को कहेंगी वो वैसा ही करेगा। मैं समझ गई मुझे इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। इसके बाद श्वेता जादूगरनी से वो जादुई ड्रेस लेकर राजमहल वापस आ जाती है। वो उसे पहन लेती है और उसे पहनकर सुपर्णा के कमरे में जाती है और सुपर्णा को अपने वश में कर लेती है। तुमने मुझे और इस पूरे राज्य को बहुत धोखा दिया है, लोगों को भलाई दिखाकर उन्हें लूटा है। अब तुम जाकर पूरे राज्य के सामने अपनी और अपनी बेटी की सच्चाई बताओगी। क्योंकि सुपर्णा श्वेता के वश में थी, इसलिए वो ऐसा ही करती है। वो पूरी सभा को बुलाती है जिसमें वो जनता को भी बुलाती है और वहाँ वो अपनी सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनने के बाद जनता बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाती है, परंतु श्वेता उन्हें शांत करवाती है। मैं जानती हूँ आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, परंतु आप चिंता मत कीजिए, इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते मैं ये हुक्म देती हूँ कि सुपर्णा और सुपर्णा की दुष्ट कामों में शामिल उसकी बेटी को आजीवन कारावास दिया जाए ताकि उन्हें उनके किए की सजा मिल सके। राजकुमारी का ये हुक्म सुनकर राज्य की जनता बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सुपर्णा और उसकी बेटी को आजीवन कारावास में बंद कर दिया जाता है और उस दिन के बाद से श्वेता ही रानी के पद पर विराजमान हो जाती है और उस राज्य को अपने पिता के आदर्शों के साथ चलाने लगती है। एक सुंदर और खुशहाल देश में राजा इंद्रजीत और रानी अंबिका अपनी बेटी युविका के साथ हंसी खुशी रहते थे। युविका अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, वहीं युविका भी अपने पिता राजा इंद्रजीत की तरह एक अच्छी घुड़सवार और योद्धा बनना चाहती थी। उसे तलवारबाजी का भी बहुत शौक था, वो अक्सर तलवारबाजी का अभ्यास किया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन अचानक रानी अंबिका की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मेरी प्यारी लाडली, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। माँ प्लीज आप ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं मेरी बच्ची, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मैं जा रही हूँ, पर जाने से पहले मैं तुम्हें अपना हेयर पिन देकर जा रही हूँ, इसे सदा अपने पास रखना। ये कहते हुए रानी अंबिका ने अपने बालों में लगाया हुआ हेयर पिन उतार कर अपनी बेटी युविका के बालों में पहना दिया। उसके बाद सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। माँ के इस तरह अचानक चले जाने से युविका पूरी तरह टूट गई। वो माँ की अकस्मात मृत्यु के गम से अभी पूरी तरह उभर भी नहीं पाई थी कि तभी उसके पिता राजा इंद्रजीत ने दूसरी शादी कर ली। युविका की सौतेली माँ शकीरा बेहद खूबसूरत थी। हैरानी की बात थी, राजा इंद्रजीत शकीरा से बेहद प्यार करते थे। युविका ने शकीरा को कभी अपनी माँ नहीं माना, वो हमेशा उसे शक की निगाहों से देखा करती।
एक रात राजकुमारी युविका को नींद नहीं आ रही थी। वो महल के हॉल में टहल रही थी, तभी उसे महल के तहखाने में जाते हुए किसी की परछाई दिखाई दी। उसने परछाई का पीछा किया। कुछ दिन बाद युविका के होश उड़ गए, क्योंकि उसने तहखाने में अपनी सौतेली माँ शकीरा को काला जादू करते हुए देखा। वो उस समय तो बहुत डर गई और वापस चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। लेकिन अगली सुबह होते ही वो अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है। सौतेली माँ काला जादू करती है। मैंने कल तहखाने में उन्हें काला जादू करते हुए देखा था। आप उन्हें फौरन महल से बाहर निकाल दीजिए। मेरी प्यारी राजकुमारी, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नई माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते, वो आपकी माँ है। पर पिताजी मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। आपकी नई माँ बहुत अच्छी है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। तुम कुछ पल उनके साथ बिताया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। ये कहते हुए राजा इंद्रजीत युविका की बात को अनसुना कर अपने कक्ष में चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक राजा इंद्रजीत अचानक महल से गायब हो गए। ये खबर सुनते ही युविका घबराते हुए सौतेली माँ शकीरा के पास पहुँची और बोली, मेरे पिताजी कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। जल्दी बताओ, तुमने मेरे पिताजी को कहाँ छुपा रखा है? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पिताजी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। वो अपने आखिरी पल कहीं दूर बिताना चाहते हैं, इसलिए वो देश की बागडोर और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर कहीं दूर चले गए। वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। हौसला रखो मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारा ख्याल रखने की। ये कहते हुए शकीरा रोने का ढोंग करने लगी। शकीरा की बात सुन युविका गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुमने जरूर पिताजी के साथ कुछ बुरा किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार तहखाने में काला जादू करते हुए देखा है। मैं अपने पिता को ढूंढ कर लाऊंगी और तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। अगर तुम मेरे बारे में इतना जान ही गई है, तो अब मुझे रोने का ढोंग करने की जरूरत नहीं। सैनिकों, इसे काल कोठरी में डाल दो। मैं भी देखती हूँ तो कैसे अपने पिता को ढूंढ कर लाती है। ये कहते हुए शकीरा जोर जोर से हंसने लगी। आदेश पाते ही सैनिकों ने राजकुमारी युविका को काल कोठरी में डाल दिया। तब युविका गुस्से से बोली, मुझे काल कोठरी से बाहर निकालो। सुना तूने? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी दुष्ट औरत। इतना कहकर युविका जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि महल के सभी सैनिक दुष्ट शकीरा के गुलाम बन चुके थे। ये देख उसने हिम्मत नहीं हारी और मन ही मन सोचा, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा इस काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए, पर कैसे? वो ये सोच रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम परेशान मत हो युविका, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कौन है यहाँ? डरो नहीं युविका, मैं हूँ हेयर पिन। हेयर पिन? हाँ युविका, मैं जादुई हेयर पिन हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें चुटकियों में इस काल कोठरी से बाहर निकाल दूंगी। बस तुम कुछ पल के लिए अपनी आँखें बंद कर लो। युविका ने जैसे ही अपनी आँखें बंद की, पलक झपकते ही वो काल कोठरी से दूर एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया जादुई हेयर पिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने पिताजी को जल्द ही ढूंढ लूंगी। ये कहते हुए युविका घने जंगल की ओर बढ़ती चली गई। काफी देर चलने के बाद वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए सो गई। तभी उसने अपने सपने में देखा कि वो अपने पिता के साथ फूलों से भरी हुई वादियों में घूम रही है। अचानक उसका सपना टूटा और वो नींद से जाग गई। ओह, ये मैं कैसे भूल गई? पिताजी को फूलों से भरी हुई वादियाँ बहुत पसंद थी, शायद वो जरूर वहाँ गए होंगे। मुझे चलकर एक बार वहाँ देखना चाहिए। इतना सोचकर युविका खुश होते हुए फूलों की वादियों की तरफ दौड़ी। जब वो वहाँ पहुँची तो वो जोर जोर से अपने पिता को पुकारने लगी, पिताजी मैं आ गई, आपकी प्यारी राजकुमारी युविका। अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज बाहर आइए, मैं आपको लेने आई हूँ। ये कहते हुए युविका ने काफी देर तक अपने पिता को पुकारा, पर उसे उसके पिता कहीं नहीं दिखाई दिए।
तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आया। ये देख युविका घबरा गई और डर कर वहाँ से भागने लगी, फिर एक पेड़ के पीछे छिप गई। तभी उसने राक्षस को रोते हुए देखा, वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। युविका से ये सब देखा नहीं गया, वो हिम्मत कर राक्षस के पास गई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज मेरी मदद करो, मेरे गले में जो हार है उसे तोड़ दो, वरना मैं बेगुनाह इंसानों को मार डालूंगा। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर मैं इतने मजबूत हार को तोड़ूं कैसे? तभी जादुई हेयर पिन से आवाज आई, युविका फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए जादुई हेयर पिन एक तलवार में बदल गई। ये देख युविका दंग रह गई। अब मुझे ऐसे ही देखती रहोगी या इस्तेमाल भी करोगी? जल्दी से हार के दो टुकड़े कर दो। उफ, मैं तुम्हें भूल गई, तुम तो मेरी माँ की दी हुई जादुई हेयर पिन हो। युविका ने फौरन तलवार उठाया और राक्षस के गले में पहने हुए हार के दो टुकड़े कर दिए। हार के टुकड़े होते ही चारों तरफ धुआं उठा और भयानक राक्षस राजा इंद्रजीत में बदल गया। ओह, मैं अपने असली रूप में वापस आ गया। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, आप राक्षस के रूप में? बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। दरअसल शकीरा एक दुष्ट जादूगरनी है, उसने अपने काले जादू से मुझे अपने वश में कर लिया था, इसलिए हमेशा मैं उसकी सारी बात मानता था। फिर एक रात उसने मुझे काला जादू किया हुआ हार पहनने को कहा। हार पहनते ही मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा और मैं एक भयानक राक्षस में बदल गया, इसलिए मैं मजबूर होकर महल छोड़कर यहाँ भाग आया, ताकि कोई मुझे इस रूप में न देख पाए और न ही मैं किसी को कोई नुकसान पहुँचा पाऊँ। पिताजी, आप अपने आप को दोषी मत समझो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। युविका अपने पिता को वापस पाकर बहुत खुश थी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक भयानक हंसी गूंज उठी और जादूगरनी शकीरा प्रकट हुई। आखिर तुम दोनों बाप बेटी का मिलाप हो ही गया, चलो अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। माँ की बातें ऊपर जाकर एक साथ कर लेना। ये कहते हुए शकीरा ने युविका पर वार किया, लेकिन तभी राजा इंद्रजीत अपनी बेटी को बचाने बीच में आ गए और खुद बुरी तरह घायल हो गए। ये देख युविका गुस्से से बौखला गई। दुष्ट शकीरा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। ये कहते हुए युविका शकीरा की ओर लपकी। तभी शकीरा ने युविका पर वार किया और वो जमीन पर जा गिरी। तब हंसते हुए शकीरा बोली, बेवकूफ लड़की, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी माँ मेरी दोस्त थी, जब हम दोनों एक साथ जादू सीखा करते थे, उसने हमेशा अपना जादू अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया। अंबिका ने मुझसे हर चीज छीना जिस पर सिर्फ मेरा हक था, यहाँ तक कि मेरा प्यार भी, इसलिए मैंने उससे बदला लिया और उसे हमेशा के लिए सुला दिया। दोस्त शकीरा, तुझे जिंदा रहने का हक नहीं। अंबिका तुझे अपनी बहुत अच्छी सहेली मानती थी और तूने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा इंद्रजीत जैसे ही आगे बढ़ा, इतने में शकीरा ने अपनी छड़ी घुमाई और बोली, मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही शकीरा ने राजा इंद्रजीत पर वार करना चाहा, तभी घायल युविका अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ी। तभी युविका के बालों में पहने हुए जादुई हेयर पिन से तेज रोशनी निकली और उन दोनों के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा प्रकट हो गया। जादूगर ने शकीरा उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई और हुआ ये कि जादुई हेयर पिन से एक जोरदार बिजली कड़की और शकीरा के ऊपर जा गिरी। फिर देखते ही देखते शकीरा जलकर राख में बदल गई। इस तरह शकीरा को उसके किए की सजा मिल गई और सब कुछ ठीक हो गया। राजा इंद्रजीत अपनी बेटी युविका के साथ राजमहल में हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। किसी गाँव में रिया और सुमन नाम की दो लड़कियां रहा करती थी। सुमन गरीब थी, उसके पिता आइसक्रीम बेचा करते थे। वहीं रिया के पिता बहुत अमीर थे, उसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। दोनों के पिता दोनों के लिए लड़के देख रहे थे। सुमन बेटी, आज मैं दिन में खाना नहीं खाने आऊंगा। क्यों पापा? बेटी, गर्मी का समय है, दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है,
अब मैं खाना खाने का टाइम आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा, इससे हमारी कमाई बढ़ जाएगी। खाना तो रात में भी खा लूंगा। बेटी, तेरी शादी के लिए 1,00,000 रुपए इकट्ठा करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप, कपड़े और भी बहुत कुछ खरीदना है। पापा, आप दिन में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और आप मेरी शादी को लेकर इतनी कुर्बानियाँ क्यों दे रहे हो? बेटी, बस एक बार तेरी शादी हो जाए, फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। सुमन का अकेले में घर में मन नहीं लगता था, इसलिए वो पार्क में घूमने चली जाया करती थी। उसी पार्क में रिया भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। अरे वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। अरे मुझे 3 आइसक्रीम मिलेगी क्या? चॉकलेट वाली। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं आइसक्रीम खाकर गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी तय हो गई है ना बर्गर बेचने वाले मुकेश से। ये बेचारी बर्गर वाले के सपने में खोई हुई है। मेरा पति बर्गर की दुकान का मालिक है। तुझे मेरे होने वाले पति के बारे में पता है? वो तेरे पति के जैसे 10 दुकानें खरीद सकते हैं। पैसे के मामले में तेरे हस्बैंड से मेरे हस्बैंड का कोई मुकाबला नहीं है। जिंदगी में ज्यादा पैसा भी कभी हानि कर देता है। ओहो, बड़ी ज्ञानी बन रही है आजकल। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है, मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले रिया ने गांव में जितने भी कॉस्मेटिक की दुकान थी, सारी दुकानों से मेहंदियां खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी नहीं छोड़ा। शादी वाले दिन जब सुमन मेहंदी लेने पहुंची, तो उसको कहीं भी एक भी मेहंदी नहीं मिली। सुमन निराश होकर घर लौटने लगी, तभी उसको रास्ते में रिया मिली और बोली, अब आया मजा? जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से रंगे सुंदर लग रहे हैं। अब तू ऐसे ही सादा हाथ लिए ससुराल जा। ऐसा कहकर रिया वहाँ से चली गई। तभी सुमन को कहीं से कोयल की आवाज आई। इतनी मधुर कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। सुमन उस आवाज को सुनकर उस आवाज की तरफ ही चलती चली गई। सुमन उस कोयल के पास पहुँच जाती है, जो एक मेहंदी के पेड़ पर बैठी हुई थी। ये तो एक मेहंदी का पेड़ है। ऐसा सोचकर सुमन ने पेड़ के पत्ते तोड़ लिए। उसने उन पत्तों को पीसा और एक कागज का कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर ली। फिर वो अपने घर पहुंची और फिर उसकी सहेलियों ने उसके हाथ में मेहंदी लगा दी। सुमन अपने हाथों की मेहंदी देखकर बहुत खुश होती है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी शादी है। सुमन और मुकेश की धूमधाम से शादी हो जाती है। सुमन अपने ससुराल पहुंची। सुमन, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत अच्छी रची है। मेरे हाथ में जो मेहंदी लगी थी वो तो तुरंत ही फीकी पड़ गई। ये मैंने मेहंदी के पेड़ के पत्ते पीसकर बनाई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम मेरे जूते निकाल दो, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। मुकेश के ऐसा कहने पर सुमन जूते निकालने जाती है, लेकिन जैसे ही सुमन वो जूते छूती है, वैसे ही वो जूते सोने के बन जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही सुमन ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। वो जो भी चीज छूती गई, वो सारी चीज सोने की बन गई। सुनिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ, वो सोने की बनती जा रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी जादुई है। जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए, तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं भी सोने का बन जाऊंगा। जादुई मेहंदी की मदद से सुमन ने बहुत सारा सामान सोने का बना लिया। कुछ दिन बीतने के बाद सुमन के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बहुत अमीर हो गए। रिया भी उसी समय गांव में थी। जब रिया ने सुमन और उसके पति को कार से उतरते हुए देखा, तो वह चौंक गई। रिया चुपके से सुमन के घर की खिड़की पर आ गई। पिताजी, ये लीजिए 10,00,000 रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं है। इन पैसों से आप ऐशो आराम की जिंदगी जियो। पर बेटी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? जादुई मेहंदी से पिताजी। जंगल में एक मेहंदी का पेड़ है। उस मेहंदी के पेड़ के पत्तों को पीस कर लगाने से हम जिस भी चीज को छूते हैं, वो चीज सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है इसकी अमेरिका। रिया भी जंगल में गई
और उसने मेहंदी का पेड़ ढूंढ निकाला और उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ लिए और उन्हें अपने घर ले आई और फिर सारे पत्तों को पीस कर ढेर सारी मेहंदी बना ली और अपने हाथों में लगा ली। अब इस जादुई मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली सारी पीढ़ियों को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिया ने सबसे पहले एक बक्से को छुआ, लेकिन बक्सा सोने की जगह गोबर में बदल गया। अरे ये क्या हुआ, बक्सा तो सोने का बनना चाहिए था, ये गोबर का क्यों बन गया? चलो फिर से ट्राई करती हूँ। उसके बाद रिया ने अपने बिस्तर को हाथ लगाया, वो भी गोबर का बन गया। उसने जो जो चीज छुई सारी गोबर की बन गई। थोड़ी देर बाद रिया का पति घर में आया, गलती से रिया ने उसे भी छू लिया और वो भी गोबर का बन गया। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरे पति भी गोबर के बन गए। रिया के लालच का फल उसको मिल गया था। कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला है।